दोस्तों आज असी 10 दसंबर दीयां घटनावां दा जिक्र करांगे, चर्चा करांगे जिहड़ियां सिख तारीख च होईयां ने। सब तो पहली घटना साढ़े को 1705 की है, जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहड़े ने उन्होंने माछीवाड़े तो मालवे जाण दा प्रोग्राम बनाया। असी जानते हाँ कि गुरु साहब जिहड़े ने 7 ते 8 दसंबर की रात नूं उत्तों चमकौर की कड़ी विचों निकल के आए सन नबी खां दे गनी दी मदद नाल। माछीवाड़े च आ के वह भाई जीवन सिंह दे चुबारे च रहे सन। 3 दिन उस चुबारे च रहे, यानी कि 8, 9 ते 10 नूं रहे। 10 नूं उन्होंने प्लान बनाई भी अगले दिन जिहड़ा वह जिहड़ा इत्थों मालवे वल चल पैना है, यानी तलवंडी साबो वल चल जाना। सो उन्होंने अगले दिन जिहड़ा इत्थों चलन वास्ते, उस तों पहलां उसले तक उन्होंने कोल 5 मरीद आ चुके सन, जिन्हां चों मुखी सीगा अजनेर पिंड दा काजी चिरागदीन, ते बाकी 4 सन इनायत अली नूरपुर दा, ते काजी पीर मुहम्मद सरोह दा, सुबेक्षा हलवारे दा, ते हसन अली मोठू माजरे दा। ये सारे उस दिन पहुँच चुके सन। ते अगले दिन गुरु साहब ने उच्चता पीर दे रूप जिहड़ा सी वो उधर जाना सीगा। तो दूजी घटना साढ़े को 1710 की है, कि 1710 दसंबर की घटना यह है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने हुक्म जारी किया भी सिख जिथे भी मिले उसको कतल कर दिता जाए। सो ये बारे मैं तुम दसना चाहूँगा बई ये घटना जी है साढ़े को 30 नवंबर भी मिलती है, तो 10 दसंबर में मिलती है। वजह यह है कि जोड़े लोग जूडियन कैलेंडर के हिसाब न लाते हैं उन्होंने हिसाब न यह तरीक जी है वह 30 नवंबर है, जेडे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब न लाते उन्होंने हिसाब न 10 दसंबर बनती, क्योंकि उदों 11 दिन का फर्क है। सो कई थावां ते तुहानूं 30 नवंबर की मिलेगी, कई थां ते तुहानूं 10 नवंबर की मिलेगी, कि बादशाह ने सिखां दे कतलेआम दा हुक्म देता। कई ने 30 की थां पहली दी 10 की थां 11 इस तरह कैलकुलेट कर लगे जिहड़े ने उह लांदे हन। तो बादशाह दे हुक्म तों बाद जिहड़ा बहुत सारे सिखां नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया गया, और उहदी जिहड़ी वर्डिंग सी उहदी सी वी जिथे भी कोई नानक प्रस्त यानी सिख नज़र आवे उसनूं कतल कर दिता जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए। सो ये दोबारा भी कई बार उसने इस तरह के हुक्म जारी किए ने। सो साढ़े को अगली घटना जी 10 दसंबर 1966 की है, 10-11 दसंबर 1966 के दिन लुधियाने ऑल इंडिया अकाली दल कानफ्रेंस हुई है, तो ये अकाली दल ने जोड़ा पंजाबी सूबा जो गल छड़ के पंजाबी सूबा 1 नवंबर 1966 बन चुका सीगा। तो अकाली दल ने हुण ऐलान किया भी असी पंजाबी सूबा समझते हैं भी लंगड़ा किया गया, पंजाबी सूबे कुछ दिता गया, सारा कुछ खोलिया गया, तो इस करके असी सिख होमलैंड की मांग करते हैं। तो श्रोमणी अकाली दल की जी ऑल इंडिया कानफ्रेंस सी उन्होंने 10-11 दसंबर की कानफ्रेंस में लुधियाने सिख होमलैंड का मता पास किया, और इन्होंने भी किया भी जी अकाली दल में वोट पाए, क्योंकि फरवरी इलेक्शन आ रही सर पंजाब असैम्बली दियाँ, तो वो वोट जी असं समझ लगे भी सिख होमलैंड पई है। तो ये होर भी मते पास किए गए सिखा नाल आज़ाद भारत में किए जा रहे वितकरे खत्म किए जाने, पंजाबी सूबे के बाकी इलाके वापस किए जा, फतेह सिंह ने उन्होंने मरणवर्त रखे सके चंडीगढ़ वास्ते, फतेह सिंह के मरणवर्त की हिमायत भी की गई। इस तो बाद साढ़े को कुछ घटनावां जिहड़ियां नकली मुकाबलिया दियां ने 1988 की है, 10 दसंबर 1988 के दिन पुलिस ने बलवंत सिंह भरा भाई कुलवंत सिंह खुखराना वासी मोगा नकली मुकाबले मार दिता। 1990 की घटना है, 10 दसंबर 1990 के दिन पुलिस ने जसवंत सिंह जस्सा ते गुरतेज सिंह वासी सैनेवाला जिला बठिंडा नकली मुकाबले मार दिता। 1991 की भी घटना है, 10 दसंबर 1991 दिन पुलिस ने गुलजार सिंह पुत्र महेंद्र सिंह वासी तालगा जिला संगरौर में एक नकली मुकाबले मार दिता। फिर साढ़े को 1992 की घटना है कि 10 दसंबर 1992 के दिन पुलिस ने गुरनाम सिंह धमाका उर्फ धमाका ते निर्मल सिंह दोवे रामदीवाली दे वासी सन, ते निशान सिंह सिपाही जिहड़ा सी इन्हां नूं नकली मुकाबले मारता। यह घटना 10 दसंबर 1992 की है। सो ये सन घटनावां जिहड़ियां सिख तारीख दियां 10 दसंबर दियां ने। शुक्रिया।